नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आपका पेपर नवम का जो अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट ऑफ द लर्निंग वाली जो बुक है उसका जो चैप्टर है आपकी यूनिट फर्स्ट, उसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और अपना जो बच्चों फर्स्ट टॉपिक था आकलन, क्या होता है आकलन, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि छात्र और शिक्षक ने विद्यालय वातावरण में जो जो गतिविधियां की उन गतिविधियों को देखना, समझना और उसमें सुधार करना ही क्या कहलाता है बच्चों, आकलन कहलाता है। आकलन दो शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों, मूल्य और अंकन। मूल्य और अंकन का मतलब यही है कि मापन में जब मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता है बच्चों, तो वो क्या बन जाता है, आकलन बन जाता है। आकलन छात्र के सभी परिवेश का किया जाता है, चाहे वो बालक की क्या आवश्यकताएं हैं, बालक क्या चाहता है, बालक के ऊपर किन शिक्षक कार्यक्रमों के द्वारा उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग छात्र पर किया गया, उसकी क्या प्रगति रही, ये सब आकलन के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि जो आकलन है उसके बारे में कई डेफिनेशन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि आकलन क्या है। आकलन का मतलब ही ये होता है कि शिक्षक और छात्र का जो व्यवहार है उसको देखना, समझना और उस पर निर्णय देना ही आकलन कहलाता है। अब आता है आकलन की विशेषताएं। आकलन करते समय आकलन में क्या क्या चीजें होती है वो देखिए। आकलन में सबसे पहले होनी चाहिए विश्वसनीयता। देखो बच्चों, जितनी बार आकलन किया जाए, किसी भी परिस्थिति में आकलन किया जाए, लेकिन अगर परिणाम सदैव समान आते हैं तब ही वो आकलन विश्वसनीय माना जाता है। तो आकलन की पहली विशेषता है बच्चों, विश्वसनीयता का गुण उसमें होना चाहिए। आकलन तभी अच्छा माना जाएगा कि जब हर परिस्थिति में किया गया आकलन के परिणाम हमेशा सदैव समान आएंगे। अब आता है दूसरी आकलन की विशेषता है बच्चों, वैधता। वैधता का मतलब है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आकलन किया जा रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति होना आवश्यक है, तभी वो आकलन वैध माना जाएगा। जैसे आप छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का आकलन कर रहे हैं, तो आपकी शैक्षिक उपलब्धि का जो उद्देश्य है वो वहां पर पूरा होना चाहिए कि छात्र ने क्या सीखा, आप उसकी वैलिडिटी कर रहे हैं, तो जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अब बात आती है बच्चों व्यावहारिकता। व्यावहारिकता का मतलब यह है कि छात्र का जो आकलन किया जा रहा है वो सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यावहारिक भी होना चाहिए। छात्र की सैद्धांतिक जो चीजें हैं, जैसे आप बोलते हो परीक्षा परिणाम के आधार पर ही छात्र का आकलन नहीं होना चाहिए, छात्र की हर गतिविधि का आकलन किया जाना चाहिए, सामाजिक उसका दृष्टिकोण देखना चाहिए, विद्यालय के वातावरण को ध्यान में रखना है, पाठ्यक्रम को ध्यान रखना है, शिक्षण विधियों को ध्यान रखना है, अधिगम सामग्रियों को ध्यान रखना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप क्या कर सकते हो, आकलन कर सकते हो। तो ये आकलन का क्या है बच्चों, आकलन का ये मतलब है। अब बात यह आती है कि आकलन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन की नेक्स्ट विशेषता है बच्चों, निरंतर। आकलन कभी रुकता नहीं है, छात्र का आकलन हमेशा चलता रहता है। आकलन की जो प्रक्रिया है बच्चों वो निरंतर बनी रहती है। और आकलन का जो मेन विशेषता होती है बच्चों, उसमें सुधार की भावना होती है। आकलन का उद्देश्य ही मेन ये होता है कि छात्र की वर्तमान स्थिति में सुधार किया जाता है और उसके समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है कि छात्र के अध्ययन में या अधिगम में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने देखा कि विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, व्यवहारिकता होती है और उपयोगिता। मतलब यहाँ पर है कि अगर किसी भी बच्चे का आकलन किया जा रहा है तो उसकी अगर अपनी समस्या
समस्याओं को समझ रहे हैं, उसकी में सुधार किया जा रहा है कि उसके जो मार्क्स आ रहे थे वो दिन प्रतिदिन उसका शैक्षिक निष्पादन अच्छा जा रहा है, तभी वो आकलन उपयोगी हो सकता है। आपने छात्र की समस्याओं का पता लगा लिया लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं किया तो ऐसे आकलन का फायदा नहीं होता। तो आकलन में क्या होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए कि जिस छात्र की समस्या का पता चला है उस छात्र की समस्या का समाधान किया जाए और जो उसको समस्या आ रही थी उसका निदान करके उसमें किस प्रकार का सुधार हुआ है, यही क्या है बच्चों, आकलन है। फिर आता है मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब है कि आकलन करते समय आप सब जानते हैं कि जब बच्चे की परीक्षा ली जाती है तो बच्चे सभी बच्चों को समान निर्देश दिए जाते हैं, सभी बच्चों को एक जैसा समय दिया जाता है, सभी को एक जैसा प्रश्न पत्र दिया जाता है और प्रश्न पत्र का जो जांच होती है उसमें भी क्या होता है, मानकीकृत होना चाहिए। किसी छात्र विशेष को इसमें किसी भी प्रकार के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही आकलन की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो आकलन में आपने देखा कि उसमें विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए, उसमें व्यवहारिकता होती है, उसमें उपयोगी होना चाहिए और मानकीकृत होना चाहिए। किसी छात्र विशेष पर नहीं होकर सभी छात्रों का ध्यान में रखते हुए आकलन किया जाना चाहिए। और आकलन की जो प्रक्रिया है बच्चों वो क्या है, आकलन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके अलावा आकलन की प्रक्रिया में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं और सभी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, हर व्यक्ति आकलन का हिस्सा होता है। इसके अलावा आकलन की विशेषताओं की अगर हम बात करें बच्चों, आकलन का कार्य मापन करना है कि किसी बालक के निश्चित उद्देश्य की प्रगति क्यों हुई है, कितनी हुई है, क्या हुई है, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका किस प्रकार से निदान किया जा सकता है, ये सब बच्चों आकलन के अंतर्गत आते हैं। किसी भी मापन का मूल्य निर्धारण करना ही आकलन कहलाता है बच्चों। जैसे किसी बच्चे के 20 अंक आते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, सेकंड में उसके 30 आते हैं और थर्ड सेमेस्टर में उसके 40 मार्क्स आते हैं, तो बच्चों ये क्या है, इसके आधार पर ये तो हमने उस बच्चे का क्या कर लिया बच्चों, मापन कर लिया, लेकिन इस मापन के आधार पर हमने एक चीज डिसाइड कर ली कि बच्चा पहले से अच्छा निष्पादन कर रहा है, उसका निष्पादन पहले की तुलना में क्या रहा है बच्चों, अच्छा रहा है। तो अच्छा निष्पादन ही क्या कहलाता है बच्चों, आकलन कहलाता है। अब बात आती है बच्चों आकलन के स्कोप कौन कौन से हैं, आकलन किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। देखो बच्चों, शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, आप सब जानते हैं बच्चों छात्र की परीक्षा ली जाती है, छात्र को नोटिस किया जाता है, क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, समय समय पर योगात्मक मूल्यांकनों का आयोजन करवाया जाता है और इस प्रकार उनके जो नंबर आते हैं उसके आधार पर उस बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। तो आकलन सबसे काम ये करता है कि बच्चा साइंस में अच्छा कर रहा है या बच्चा गणित में अच्छा कर रहा है या सोशल स्टडी में अच्छा कर रहा है या साइंस में अच्छा नहीं कर पा रहा है या गणित में अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीजों के का हम क्या करेंगे, आकलन करने के बाद ही पता कर सकते हैं कि उस बच्चे ने कितनी शैक्षिक उपलब्धियों को हासिल किया है। तो आकलन का मेन जो ये है कि आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना। दूसरा आता है बच्चों गुणवत्ता का निर्माण करने में। बच्चों आप जानते हो कई बच्चों को अधिगम संबंधी असुविधा होती है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये पता नहीं होता कि कौन सी अधिगम कठिनाई उनको आ रही है और उस अधिगम कठिनाई के कारण मान लो एक शारीरिक विकलांग वाला बच्चा है तो शारीरिक विकलांगता उसका दोष है लेकिन उसको अतिरिक्त सुविधाएं करवा करके उस बच्चे को बहुत आगे पहुंचाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रतिभा है, माइंड तो है, तो उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा, उसका आकलन किया, फिर उसको सुविधाएं उपलब्ध करवाई और फिर उसका क्या होगा,
उस बच्चे में गुणवत्ता का निर्धारण किया जा सकता है। तो आकलन देखता है कि किन शिक्षण विधियों का उपयोग करके हम अच्छा आकलन कर सकते हैं, किन विधियों को और अपना करके बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं। तो आकलन के क्षेत्र में आता है बच्चों गुणवत्ता का निर्माण करना। और आज हमें जो एजुकेशन दी जा रही है उसका मेन मोटिव भी बच्चों यही है कि बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। फिर है स्थान निर्धारण में। आप सब जानते हैं बच्चों, आकलन के आधार पर हमें पता चल जाता है ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये औसत कर रहा है, ये बच्चा बिल्कुल नहीं सीख रहा है, या ये बच्चा खेल में भाग नहीं ले रहा है, ये क्रिकेट में बहुत अच्छा है, ये बास्केटबॉल में बहुत अच्छा है, ये क्राफ्ट आइटम बहुत अच्छा बना लेती है, ये मेहंदी बहुत अच्छा बना लेती है, ड्रॉइंग बहुत अच्छी कर लेती है। तो ये सब क्या है बच्चों, आकलन के माध्यम से ही हर बच्चे का स्थान निर्धारण हो जाता है कि बच्चा लेखक बनेगा, बच्चा कलाकार बनेगा, बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, बच्चा इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएगा। ये सब आपको स्थान निर्धारण से पता चल जाता है। उसके बाद आ जाता है बच्चों व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान करने में। मैंने आपको बताया था बच्चों हर छात्र अलग होता है, व्यक्तिक भिन्नता वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था हर छात्र अलग होता है, हर छात्र की आवश्यकताएं अलग होती है। कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं, कोई शारीरिक विलंबित बालक होता है, कोई मानसिक रूप से विलंबित बालक होता है, कोई बच्चा जैसे मानसिक बुद्धि के आधार पर हम देखें तो कई बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कई सृजनशील होते हैं, कई समस्यात्मक बालक होते हैं, कई बाल अपराधी बालक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, तो इनका पता कैसे चलता है? अब बाल अपराधी का पता कैसे चलेगा? जब हमें पता चलेगा हमने उसका क्या किया है, आकलन किया। प्रतिभाशाली बालक का कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने उसका क्या किया, आकलन किया। छात्र में क्या क्या क्वालिटी है ये क्या किया है, हमने उसका आकलन किया। तो आकलन का मेन ये है कि व्यक्तिक भिन्नता का हमें ज्ञान होता है। व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान करने में आकलन का मेन क्या होता है, योगदान होता है। फिर आता है अनुसंधान करने में। आप सब जानते हैं बच्चों कि हमने किसी बच्चे को पढ़ाया लेकिन बार बार पढ़ाने के बाद में भी सभी बच्चों को वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जिस शिक्षण विधि का उपयोग किया था उस शिक्षण विधि के माध्यम से उस टॉपिक को हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाए। तो हम क्या करेंगे, नया अनुसंधान करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाए। तो अनुसंधान कब करेंगे, जब आकलन होगा, जब पता चलेगा कि इस शिक्षण विधि का उपयुक्त क्या नहीं हो पाया, उस शिक्षण विधि से हम अच्छा अनुसंधान नहीं कर पाए बच्चों। तो अनुसंधान करने में भी इसका मेन रोल माना जाता है। फिर है पूर्वानुमान लगाना। आप सब जानते हो बच्चों आकलन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर के साइंटिस्ट बनेगा। हम किसी बच्चे को देख करके या उसका आकलन करके ये कह देते हैं ये बच्चा आगे जाकर के इंजीनियर बनेगा। कुछ बच्चे की एक्टिविटी को देखकर हम बोल देते हैं कि ये बच्चा नेता बनेगा। कुछ बच्चों की एक्टिविटी देखकर हम बोल देते हैं कि ये नाटक बहुत अच्छा करता है। तो अलग अलग बच्चे का पूर्वानुमान कब लगाते हैं, जब हम उस बच्चे का क्या करते हैं बच्चों, आकलन करते हैं। तो आकलन के क्षेत्र में बच्चों ये सब आते हैं कि हम आकलन के माध्यम से शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में आकलन का मेन रोल है, गुणवत्ता का निर्माण करने में आकलन का योगदान है, स्थान को निर्धारण करने में आकलन का योगदान है, व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान करने में आकलन का योगदान है, और अनुसंधान करने में आकलन का योगदान है, और पूर्वानुमान लगाने में भी आकलन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये क्या है, ये आकलन के क्षेत्र है। अब बात आती है बच्चों दो टॉपिक जो कई बार आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है कि अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन में क्या फर्क है। बच्चों अधिगम का आकलन करना और अधिगम के लिए आकलन करना कि बच्चा सीखे कैसे, और बच्चे ने जो सीखा उसने उसको कितना यूटिलाइज किया, ये है इसका मतलब अधिगम का आकलन। कि आपने जो अधिगम किया है, छात्र ने जो सीखा है
उसका आकलन करना, और अधिगम के लिए आकलन मतलब बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है, किन किन शिक्षण विधियों का हम उपयोग कर सकते हैं, कौन सा उसको सैद्धांतिक ज्ञान दे सकते हैं, इन सब के लिए क्या है, अधिगम के लिए आकलन। तो दोनों में क्या फर्क है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कई बार आपके बीएड सेकंड ईयर में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखो क्या कहता है, अधिगम का आकलन कहता है कि छात्र द्वारा सीखा गया वास्तविक ज्ञान जो उसने विद्यालय और समाज से सीखा है, बड़ों का आदर करना, साफ सफाई से रहना, अपने बड़ों से अच्छे तरीके से शिष्टाचार से बातें करना, अनुशासन, ये सब चीजें बच्चा कहाँ से सीखता है बच्चों, विद्यालय और समाज से सीखता है। तो ऐसा जो ज्ञान है बच्चों उसको अधिगम का आकलन कहते हैं। फिर कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, अगर हमें किसी बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो उसको कैसे सिखाया जा सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे का ज्ञानात्मक ज्ञान कितना है, देखेंगे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो फर्स्ट क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे, वो कहाँ तक सीख सकता है उसके लिए उसको सिखाएंगे, और उसका फिर क्या करेंगे बच्चों, आकलन करेंगे। तो छात्र के ज्ञानात्मक पहलू का ज्ञान कर पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चे को ज्ञान देंगे, वो ही बच्चों अधिगम के लिए आकलन है। फिर आता है ये जो ज्ञान है बच्चों, ये कहाँ है, ये ज्ञान जो है वास्तविक जुड़ा हुआ है, ये ज्ञान जो है विद्यालय समाज आसपास का वातावरण समुदाय सभी से बच्चा सीखता है, वो अधिगम का आकलन अनौपचारिक होता है, जबकि अधिगम के लिए आकलन औपचारिक होता है, औपचारिक तरीके से आकलन किया जाता है, औपचारिक तरीके से विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये सब औपचारिक है। अब है कि छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान जो बच्चे को दिया गया है उसका व्यावहारिक जीवन में बच्चा प्रयोग कैसे कर रहा है, इसका आकलन किया जाता है बच्चों अधिगम के आकलन में, कि बच्चे को सैद्धांतिक जो ज्ञान दिया गया है उसका व्यावहारिक जीवन में बच्चा कितना उपयोग कर रहा है, इसका आकलन करना बच्चों अधिगम के आकलन के अंतर्गत आता है। फिर आता है सभी के हित को ध्यान में रखकर, अब आपको पता है ये अधिगम के लिए जो आकलन है ये वहां पर दिया जाता है जब हम क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो वो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर ये व्यक्ति विशेष बच्चे को ध्यान में रखेगा, नहीं, वो देखेगा कि ऐसा मैं शिक्षण विधि अपनाऊं ताकि हर बच्चा का हित हो, हर बच्चा अधिगम कर सके, तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, तो ये वाला अधिगम होता है अधिगम के लिए आकलन। अब ये है वास्तविक जीवन जीने का अनुभव देता है अधिगम का आकलन, जो आपने अधिगम किया है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ोगे बच्चों तो आपको जीवन जीने का अनुभव आता है, और यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है, किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अधिगम के आकलन के अंतर्गत। इसमें बच्चों सामाजिक नियमों रीति रिवाजों, सामाजिक नियमों रीति रिवाजों परंपराओं संस्कृति, इन सब के बारे में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक रूप से उसको सिखाया जाता है, जबकि इन नियमों और इन के बारे में जो बताने का काम करता है उनको जो बताया जाता है कि ये सब हमारी परंपराएं हैं, दीपावली पर ये हो रहा है, दीपावली पर हम ये करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, उसका हम ज्ञान देते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों अधिगम के लिए आकलन, जबकि अधिगम का आकलन का मतलब है सामाजिक नियमों रीति रिवाजों परंपराओं इन सबका व्यवहारिक ज्ञान अगर बच्चे को दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये अधिगम का आकलन है। अधिगम का आकलन करने के लिए किसी शिक्षण विधि की आवश्यकता, किसी निश्चित विधि की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहां पर निश्चित विधि की
आवश्यकता होती है। यहां पर निश्चित विधि की आवश्यकता होती है, जबकि यहां पर किसी भी प्रकार की निश्चित विधि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई भी व्यक्ति साक्षर या निरक्षर नहीं होता है। यहां पर अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो यहां पर बच्चा साक्षर और निरक्षर होता है। मतलब यह है, अधिकम का आकलन है जो कि हम समस्त जीवन पर्यंत तक सीखते हैं बच्चों, वो है अधिगम का आकलन। और अधिगम के लिए आकलन है कि जो हम विद्यालय वातावरण में, विद्यालय में अध्ययन सामग्री, शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षक के द्वारा जो भी सीखते हैं वो अधिगम के लिए आकलन है बच्चों। तो अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन में ये आपको, आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो दी जाती है वो उसको सैद्धांतिक ज्ञान की जो शिक्षा दी जाती है वो अधिगम के लिए आकलन है, और व्यवहारिक जीवन के बारे में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो अधिगम का आकलन है। और इसमें बच्चे को ग्रेड दी जाती है और यहाँ पर बच्चे को अंक दिए जाते हैं। आज जो हमारा आकलन है बच्चों वो अधिगम का आकलन है, क्योंकि बच्चों को ऐसा पढ़ाना है ताकि वो व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ सके। बच्चे को ऐसा ज्ञान देना है जो न केवल विद्यालय में बल्कि समाज और समुदाय से भी सीख सके, ऐसा ज्ञान देना है। और इस प्रकार का जो वातावरण, किसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसका हम आकलन करते हैं और देखते हैं कि बच्चा विद्यालय से कितना सीख रहा है, समाज से कितना सीख रहा है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, ये सब हम आकलन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का, छात्र की सामाजिक स्थिति का, छात्र की मानसिक दशा का, इन सब का हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि बच्चे की वर्तमान समस्या क्या है और इन वर्तमान समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। तो आज हमने आकलन की विशेषताएं, आकलन के क्षेत्र, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन में जो अंतर था वो देखा। आगे के वीडियोस में हम मापन, मूल्यांकन, आकलन, परीक्षा, इन सब के अंतर को समझेंगे बच्चों। आकलन एक ब्रॉड है, बहुत बड़ी चीज है, जिसमें सभी क्षेत्र को, बालक को, समाज को, शिक्षक को, सभी को इसमें समाहित करता है बच्चों, क्या आकलन। तो हमने पिछले वीडियो में आकलन का अर्थ, अवधारणा और परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था, उद्देश्य पढ़े थे, और आज हमने ये सब चीजें पढ़ी है। आप चाहते हैं कि मैं आपको नवा पेपर, बीएड सेकंड ईयर का जो नवा पेपर है उसको पूरा करवाऊं, तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें। मेरे जो वीडियो में जो मैंने आपको बोर्ड पर नोट्स लिखवा रखे हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और आपका जो ये 80 नंबर का पेपर है मैं इसमें आपको फायदा पहुंचा सकूं, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।